सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई। राजनीतिक दृष्टि से इंग्लैंड कोई विशेष शक्तिशाली देश नहीं था। फ्रांस इंग्लैंड की तुलना में अधिक समृद्ध था, फिर भी इस क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही हुआ। निश्चित ही इसके कुछ विशेष कारण थे जो निम्न हैं। प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, जलवायु, कटाफटा समुद्री तट, सामुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता। आर्थिक कारण। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का पाया जाना, श्रमिकों का अभाव तथा श्रम संचय साधनों की आवश्यकता, पूंजी का असीमित संचय, विस्तृत बाजार क्षेत्र, वैज्ञानिक आविष्कार, यातायात का विकास, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धि, इंग्लैंड की व्यापारिक तथा आर्थिक नीति, संगठन की योग्यता, बैंकिंग व्यवस्थाओं का विकास होना, व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता, विकासशील दृष्टिकोण। राजनीतिक कारण। राजनीतिक स्थायित्व एवं शांति का वातावरण, बाह्य आक्रमणों से मुक्ति, फ्रांस की राज्य क्रांति, राज्य की अभिरुचि, दास प्रथा से मुक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सामाजिक कारण। सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण की अनुकूलता। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की पोषण एवं अनुकूल सभी परिस्थितियां उपस्थित थी, इसलिए यह यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रेरणा।